नमस्कार, मैं आदर्श आप सबका स्वागत करता हूँ सिंह स्टीम में। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ गैसवे का न्यूटेक एलपी गैस आयरन, जिसका वजन है 5.5 किलो, जो इस तरीके की आपको दिख रही है। एक पीतल की आयरन है पूरी, ये इस तरीके का पीतल का इसका तल्ला है, पूरा पीतल की है। जितनी गोल्डन दिख रहा है पूरा पीतल है ये, ऊपर ये मेटल है, साथ में हैंडल लगा हुआ है, पीछे आपका इसका कंट्रोलर लगा हुआ है। इसके बारे में फुल डिटेल दूंगा, आयरन के बारे में कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसके साथ में आता है। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी डिटेल मिलेगी आपको, और लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इसके साथ हम फ्री आइटम अपनी तरफ से क्या देंगे और इस हमसे लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए ये आयरन है पूरा, इस पर एक बैकलाइट का हैंडल लगा हुआ है, पीछे इसकी हीट कंट्रोल करने के लिए नोब लगा हुआ है, इससे हीट कंट्रोल कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसका पाइप लगता है और यहाँ से फायर होता है, इसकी आग जो है अंदर ही जलता है, बाहर नहीं निकलता है। और ये पूरा पीतल का है, वजन की बात करें तो 5.5 किलो वजन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपनी का क्या क्या देती है इसके साथ में। तो कंपनी देती है आपको एक पाइप और इसका क्लैंप इस तरीके के, और इसके क्लीनिंग पिन, और एक अपना ये यूजर मैनुअल इस तरीके का आता है, बस बॉक्स खाली। अब मैं आगे का आपको दिखाता हूँ कि इस आयरन के बारे में। तो इस आयरन की जो वजन मैंने आपको बता चुका हूँ, 1 किलो गैस में जो है ये 22 से 24 घंटा वर्क करता है। लॉन्ड्री, ड्राई क्लीन या जो ठिया लगाते हैं आयरन का, उसमें आप यूज में ले सकते हो। अच्छी फिनिशिंग आती है। पीतल का लेने का खासियत ये है कि जल्दी गर्म होता है और सॉफ्ट गर्म होता है, और इसकी जो जिसमें जंग लगने का समस्या नहीं होगा पीतल होगा तो। एक तो कपड़ा जो पीलापन आ जाता है इससे पीलापन नहीं आएगा, कपड़ा का फिनिशिंग ज़्यादा बेटर बनाता है पीतल की आयरन आने के लिए। इसमें मेटल की भी आती हैं, और भी मॉडलें आती हैं इसकी, उसका आपको डिटेल हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके और भी वीडियो हैं वो देख सकते हो आप। अब मैं आपको बता रहा था जो कि इसको कैसे फिट करना है, तो फिट करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ अभी और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से है, एक पाइप है अपना, एक पाइप आपका सिंपल क्लैंप लगा के हमें यहां लगाना होगा, और दूसरा पाइप सिलेंडर के रेगुलेटर पर लगेगा अपना। जो घर पे हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं 16 केजी का, उसी पर चलता है ये। मैं उसके बारे में बताता हूँ कौन सा रेगुलेटर लगेगा, वो हम अपनी तरफ से फ्री देंगे आपको। बंद करना इसको। जैसे कि मैं आपको बताया था रेगुलेटर, तो देखें इस टाइप की रेगुलेटर है जो हम आपको देंगे अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी आइटम है वो भी दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या देंगे फ्री। ये अपना इस तरीके से इसमें पूरा चढ़ाना होगा, और इसकी लेंथ की बात करें रेगुलेटर को फिट करने के लिए क्लैंप के साथ, और इसकी वायर की लेंथ की बात करता हूँ। देखें ये पाइप कितना लंबा चौड़ा है अपना पूरा, ये यहाँ ऊपर से आके और नीचे तक भी जा रहा है। आप सिलेंडर इजीली कहीं भी रख के चला सकते हैं, दूर रख के, काफ़ी लंबा पाइप आता है इसके साथ में। पाइप की लेंथ 3 मीटर की है और काफ़ी लंबी पाइप है ये। अब मैं बता रहा था आपको, तो देखें सबसे पहले जो है एक सिलिकॉन मैट है, ये हम इसलिए देते हैं कि आप पत्थर पे या फिर किसी टाइप के लोहे के पत्रे पे रखते हैं तो उसमें क्या स्क्रेचेस लगने लगते हैं, मटेरियल कटने लगता है, मेटल कटने लगता है, ब्रास कटने लगता है। उसके बचाने के लिए बहुत ही अच्छा सलूशन है कि आप इस मैट के ऊपर रखें, कितना भी गर्म प्रेस रखिए खराब नहीं होगा ये मैट। आप इसी के ऊपर इजीली इस तरीके से रख सकते हैं, पिघलता नहीं है, कुछ नहीं होता है, स्पेशल मटेरियल का बना हुआ है इस तरीके से। उसके बाद इसमें एक बैकलाइट का हैंडल लगा हुआ है, बट हम अपनी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ये वुडन हैंडल देंगे। ये लक्कड़ का हैंडल है जो आप इजीली इस तरीके से लगा सकते हैं, कभी आप कहीं ब्रेक होता है तो। ऐसे तो काफ़ी मजबूत है बट तब भी हम आपको आगे इन फ्यूचर दिक्कत ना है उसके लिए एक ये वुडन हैंडल अपने तरफ से फ्री में देंगे। उसके साथ में एक आप ये नीचे वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये भी बैकलाइट का है, ये भी हम आपको दूसरा एक बैकलाइट का ही सेम आता है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, एक हमारे पास ओनली बैकलाइट में ही आता है, तो ये बैकलाइट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसके साथ में हीट कंट्रोलिंग का है ये जो अपना नोब, ये एक आपको हम बिल्कुल फ्री देंगे, जो इस तरीके का यहाँ पर नोब लगा हुआ देख सकते हैं इस तरीके। ये जो आपको पिन था ये क्लीनिंग के कैसे काम में आता है वो दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखें ब्रास का नोजल लगा हुआ है, इस पे ये वाला पिन है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इजिली इसके अंदर से ऐसे डाल के क्लीन करना होता है। जब आपके सिलेंडर में कोई कचरा रहता है तो पाइप के थ्रू यहाँ आके ब्लॉक हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए है ये। और इसमें आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझाया गया है, बिल्कुल लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। इसको पढ़ के भी आसानी से इसको साफ कर सकते हैं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये एक तरह की बहुत ही सुविधाजनक प्रेस है, जिससे कि आप लोग मान लो बिजली का कई प्रॉब्लम है, बिजली चली जाती है आपका काम रुक जाता है, इसको लेने के बाद ऐसा समस्या नहीं आएगा, आपका काम होता रहेगा, बिजली रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। LPG सिलेंडर पर लगाइए और नॉन स्टॉप चलाइए। 1 kg गैस में 24 घंटा चलता है ये, तो वो भी एवरेज काफ़ी अच्छा है। आराम से अगर 12 घंटे भी एक दिन में काम करते हैं तो 2 दिन आप आराम से काम करोगे 1 kg गैस में, काफ़ी अच्छा एवरेज है। और इसको लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या हमारे पास आके हमारे स्टोर पर ले जा सकते हो, नोएडा सेक्टर 5 में हमारा स्टोर है, या पैन इंडिया आप हमसे मंगा सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार पूरा मटेरियल दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले जो कंपनी की तरफ से मिलता है अपना, इस तरीके का एक आयरन मिलता है, उसके साथ में 3 मीटर का पाइप मिलता है। हम कह देंगे आपको अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तो ये रेगुलेटर देंगे हाई क्वालिटी का जो आप सिलेंडर में लगाएंगे, उसके साथ में एक वुडन हैंडल देंगे जो इन फ्यूचर आपको कभी ब्रेक होता है तो ये लगा सकते हैं, उसके साथ में कभी वाल या स्टैंड में प्रॉब्लम आती है तो ये चेंज कर सकते हैं आप, जिससे आपका काम नहीं बंद होगा। उसके साथ में आपका एक तल्ला हमेशा फ्रेश बना रहे, स्मूथ बना रहे, उसके लिए हम आपको एक मैट देंगे इसको रखने के लिए। और पूरा इस बॉक्स में पैक करके आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप चाहें वहाँ पर डिलीवरी देंगे। इसको लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, या हमारी वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट बुक करें, वहाँ से भी आपको डिलीवरी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक